नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नरान। एक बार फिर स्वागत है आपका भारत एट नाइन के खास एपिसोड में। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले गाजियाबाद के एक छोटे से शहर डासना में स्थित है डासना देवी मंदिर, और यहां बैठे हैं समूचे हिंदुस्तान के हिंदुओं के भविष्य की चिंता करने वाले बाबा यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद बाबा यति नरसिंहानंद का मानना है। बाबा जी का मानना है कि देश में हिंदू खतरे में है, देश में हिंदुत्व खतरे में है, और हमारा देश हिंदुस्तान भी खतरे में है। और बस इसी सोच के साथ बाबा जी ने अपने मन में ठान लिया है कि बाबा जी को आगे आकर देश के हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और भाई बाबा जी निकल पड़े। अब तक की बातों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी महान संत की बात कर रही हूं, पर अगर मैं ये कहूं कि आप गलत सोच रहे हैं तो मैं सही हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये बाबा किसी अटेंशन सीकर से कम नहीं लगते, उससे भी ज्यादा ही लगते हैं। यूं तो बाबा जी आए दिन अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में बने ही रहते हैं, पर बाबा जी के दिल में जिस लाइमलाइट की मनोकामना थी वो तो लगभग पूरी ही हो रही है। वो बाबा को तब मिल सकी जब तकरीबन आधा साल पहले एक आसिफ नाम का लड़का डासना देवी मंदिर परिसर में घुस आया और मंदिर में मौजूद एक शख्स ने आसिफ को पकड़कर आसिफ की जमकर पिटाई कर दी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद वीडियो को लोगों ने धड़ल्ले से शेयर करना शुरू किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महान बाबा की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बड़ी होगी, जिसके बाद वीडियो देखते ही देखते हर ओर फैल गया और फिर आसिफ को हिंदुत्व पर खतरा बताते हुए सामने आए बाबा यति नरसिंहानंद सरस्वती। और तब से अब तक बाबा जी ने मुड़ के पीछे नहीं देखा है। जैसे एक सुपरस्टार होता है, जैसे बॉलीवुड का एक्टर होता है जो एक बार हिट पे हिट दे और पीछे मुड़कर ना देखे, ऐसे ही है बाबा यति नरसिंहानंद। क्या थी, कहा तो ये गया कि सिर्फ पानी पीने के लिए आया था। कहा ना, उसने जब वो पकड़ लिया सरंगी यादव ने, सरंगी को समझ में नहीं है कि मामला क्या है, वो असल में ऊपर सोया हुआ था, उसको समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। जब शोर मचा उसने बेसिकली क्या किया था, उसने सतलिंगेश्वर महादेव पे पेशाब किया था और इसलिए झगड़ा हुआ है सारा, इसलिए सारा झगड़ा हुआ पानी के लिए। पानी के लिए तो बेटा बाहर देख लो, बाहर नल है, गेट को जैसे आप सड़क पार करोगे छोटी सी तो सड़क ही है, उसके पार ही नल है, और इधर पंचायत में नल है, पंचायती भवन है इसमें नल है, पीछे दुकान में नल है। पानी पीने आपको गेट से कोई नल दिखाई दिया यहाँ तक, मतलब कम से कम 500 मीटर पर नल है, तो मतलब उसे यहाँ इतना अंदर तो आना था, वहाँ उसे नल नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है वहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है, ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, हमारे सरकार या फिर कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसलमान हैं, आप अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता। क्यों, मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? मंदिर है क्या? ये मंदिर है आस्था का केंद्र, जिसकी हमारे धर्म में हमारे उसमें आस्था नहीं है वो क्यों आएगा मंदिर में? जो कारण थे वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे लॉजिकल ये बताओ कि जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं, वो अपने भगवान के सिवा किसी, उनका कोई अल्लाह है उसके सिवा किसी को मानते नहीं, जिसकी मूर्तियों से तोड़ते हैं, मूर्तियों पे पेशाब करते हैं, हमारी बेटियों को शिकार मानते हैं, वो हमारे मंदिर में क्यों आएंगे? मुझे ये बता दो बेटा, क्यों आए? कोई ज़बरदस्ती है कि मंदिर में ही जाना? अपनी मस्जिदें इतनी सारी बना ली हैं, यहाँ 50 मस्जिदें हैं चारों तरफ, 50 मस्जिद मदरसे हैं, उनमें क्यों नहीं चले जाते? यहीं आने की क्या जिद है? इसी मंदिर में आने की क्या जिद है? लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि घटना ये थी कि उसने शिवलिंग पर पेशाब कर दिया था, लेकिन अगर मान लीजिए वो पानी पीने के लिए ही आता मंदिर में, फिर भी उसे प्रवेश नहीं मिलता? नहीं नहीं नहीं, लेकिन पीटा नहीं जाता। अगर पानी पीने के लिए आता तो हम उससे कह देते भाई चला जा, तुझे यहाँ पानी नहीं मिलने वाला, इस मंदिर में पानी मुसलमानों के लिए नहीं है, नहीं है इस मंदिर का कोई चीज़ मुसलमानों के लिए। हाँ, चुरा लेते हैं, वो डकैती डालते हैं, चार बार इस मंदिर में डकैती डली है, वो होता है, वो ज़बरदस्ती चाहे हमें मार भी दें वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसलमानों को यहाँ एक बूंद पानी नहीं देते भाई, नहीं देते, नहीं देते। रीज़न, अच्छा रीज़न क्या है जो बाहर ही बोर्ड लगा दिया गया, ऐसा रीज़न क्या है? इस मंदिर में मैं जब से मेहनत बनाऊँ चार बार डकैती डली, सारी मुसलमानों ने डाली, पुलिस ने जो है उनके दबाव में केस नहीं खोला। इस मंदिर में जितनी चोरी हुई वो मुसलमानों ने करी, पुलिस केस नहीं खोलती। तब से लेकर अब तक बाबा जी आए दिन मीडिया में छाए रहते हैं, या ये कह लें कि लाइमलाइट में बने रहते हैं, फुल फुटेज मिलता है उन्हें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूं।
तो बता दूं कि बाबा जी एक बार फिर से लाइमलाइट में आए हैं। माफ कीजिएगा, माफी इसलिए मांग रही हूं पहले ही क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि बाबा की फैन फॉलोइंग बहुत लंबी है। इस बार देश के हिंदुओं की चिंता करने वाले, हिंदुत्व को बचाने की दिशा में काम करने का प्रण लेने वाले बाबा यति नरसिंहानंद सरस्वती की जान पर खतरा मंडराते हुए दासना देवी मंदिर तक पहुंच चुका है। और ऐसा पहले बार नहीं है, इससे पहले भी वो लगातार कह चुकी हैं कि मेरी जान को खतरा है, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी भी लगातार मिल चुकी है। अब ऐसा भी हम नहीं, खुद बाबा जी कह रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठा हूं रेकी करने के लिए यहाँ आया है। हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआरए साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी, उन्हें बताना चाहता हूँ ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये बड़ी घटना की तैयारी है। अब दरोगा जी है, इसे लेके जा रहे हैं। दरोगा जी का नाम है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी को हमने इसे दे दिया है, ना एक भी थप्पड़ किसी ने इसे मारा है यहाँ पे, ना किसी ने हाथ लगाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा, मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा, ये हमारी हत्या का प्रयास है, जिसे पुलिस, यहाँ पुलिस हिंदुओं पे पूरी दादागिरी दिखा रही है, लेकिन ये अंदर तक आ गया। और योगी जी को मैं बताना चाहता हूँ, इतने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ, इसी उम्र के लड़के, ये ट्रेंड कातिल हैं। क्या नाम है? पूरा नाम? पिताजी का नाम तुम्हारे? कौन से गांव से? कराने वाले यहाँ पर नए आए। यहाँ क्या करने आए हो? अपने भाभी को देखने आया। अटल ये मंदिर है, मतलब यहाँ इस गांव में क्या करने आए हो? इस गांव में रहने आए। रहने आए हो? किसके घर पे? यहाँ पे उस्मान कॉलोनी घर के, उस्मान के घर के पीछे नाले के पास। तुम्हारा घर है यहाँ पे? अपना घर है। ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठा हूँ रेकी करने के लिए यहाँ आया है। हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआरए साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी, उन्हें बताना चाहता हूँ ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये बड़ी घटना की तैयारी है। अब दरोगा जी है, इसे लेके जा रहे हैं। दरोगा जी का नाम है सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी को हमने इसे दे दिया है, ना एक भी थप्पड़ किसी ने इसे मारा है यहाँ पे, ना किसी ने हाथ लगाया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा, मैं अभी योगी जी को इस संदेश को भेज भी दूंगा, ये हमारी हत्या का प्रयास है, जिसे पुलिस, यहाँ पुलिस हिंदुओं पे पूरी दादागिरी दिखा रही है, लेकिन ये अंदर तक आ गया। और योगी जी को मैं बताना चाहता हूँ, इतने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ, इसी उम्र के लड़के, ये ट्रेंड कातिल हैं। क्या नाम है? पूरा नाम? पिताजी का नाम तुम्हारे? कौन से गांव से? कराने वाले यहाँ पर नए आए। यहाँ क्या करने आए हो? अपने भाभी को देखने आया। ये मंदिर है, मतलब यहाँ इस गांव में क्या करने आए हो? इस गांव में रहने आए। रहने आए हो? किसके घर पे? यहाँ पे उस्मान कॉलोनी घर के, उस्मान के घर के पीछे नाले के पास। तुम्हारा घर है यहाँ पे? अपना घर है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान के हिंदुओं का ठेका उठा रखा है, वो एक बच्चे से घबरा गया। जी हाँ, मात्र छोटा सा बच्चा, 9 या 10 साल का होगा। बस करो बाबा जी, बहुत हो गया। हमें देश में कट्टर पैन फनाले वाले बाबा मौलानाओं की जरूरत नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसे बाबा ना मौलाना। हमें देश में एकता का संदेश देने वाले लोग चाहिए। देश में एकता, अखंडता, आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाले लोगों की जरूरत है, ना कि आप जैसे लोगों की जो देश में कट्टरवाद को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। एक पक्ष पहले से ही भटका हुआ है, अब अपने फायदे के लिए दूसरे पक्ष को भटकाने का काम मत करिए। आप खुद तो संत कहते हैं और खुद संत बने बैठे हैं। संतों का जो काम होता है वो करिए ना,
क्यों देश को हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, धर्म जाति के नाम पर बरगलाने की कोशिश करते हैं। पर नहीं, बाबा जी को संतों के काम छोड़ के वो सब काम करने हैं जिनका एक संत से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि धर्म का ज्ञान देने वाला व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करे, चाहे वो धर्म का ज्ञान कोई मौलवी दे या पंडित दे? नहीं, लेकिन ये बाबा ऐसा करते हैं, एक नहीं दो बार करते हैं और मुंह पर बोलते हैं कि उन्हें हिंदुत्व को बचाना है। बहुत अच्छी बातें करते हैं, आगे आपको पता चलेंगी। फिलहाल मुद्दा यह है कि बाबा जी की जान को खतरा है। बाबा जी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। क्या कुछ कहना है पुलिस का, वो पहले सुन लीजिए। आज डासना देवी मंदिर में एक मुसलमान बच्चे की सूचना प्राप्त हुई। इस बारे में जब जांच की गई तो पता लगा कि ये छोटा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है। इसका नाम अनस है और ये उस्मान कॉलोनी में रहता है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी भाभी जो कि गर्भवती हैं वो बगल में ही डासना सीआरसी में एडमिट है और ये वहाँ उनसे मिलने जा रहा था और भूलवश ये मंदिर में प्रवेश कर गया। इस संबंध में जांच की गई तो वाकई पाया गया कि जो उसकी भाभी है वहाँ पर एडमिट है और इस बच्चे को जो एक लैंडमार्क बताया गया था वो डासना मंदिर का ही बताया गया था। इसी वजह से वहाँ पूछते हुए वहाँ आया और भूलवश उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। इसके पास कोई भी आपत्ति की वस्तु नहीं पाई गई और इसने जो भी बातें बताई हैं सारी तस्दीक हुई। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बाबा जी ने कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे बाबा जी चर्चा का विषय बन गए हो। इससे पहले भी कई बार वो चर्चा का विषय बने हैं और लाखों व्यूज अपने नाम कर लिए हैं। इससे पहले भी बाबा जी नेत्रियों और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बारे में कुछ ऐसा कह चुके हैं जिसे सुनकर हर कोई शुद्ध रह जाएगा। क्या कुछ कहना था बाबा जी का, वो भी सुनिए। सुनाना जरूरी है क्योंकि जो पक्ष ऐसे हैं जो आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हैं बाबा जी के नाम की, उनकी आंखों पर से पट्टी उतरना भी जरूरी है। हमारी सुन लो पहले दो बात, हमको ज्ञान दे रहे हैं बहुत अमूल्य ज्ञान, तो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रही थी ना, वो किसी एक नेता हुआ करते, किसी ना किसी एक नेता जरूर हुआ करते। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी वो किसी ना किसी नेता की, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार समाजवादी पार्टी वालों की, तो उन्होंने औरतों के बारे में यही किसी और की है तो वो किसी और की है, मतलब ये नहीं कि सबकी है, एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया था 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई तो वहां जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता। वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा, मैंने चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती थी, राजनीति में नहीं होता है। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चंद्रवा लोगों की सरकार, अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर ये है। अब ईमानदार और चैतवान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। पूरा मजा आ रहा है। अब जितनी महिलाएं घूम रही है ना रही थी, जितनी महिलाएं राजनीति करती घूम रही है, पूरा मजा ही आ रहा। एक तो हम हिंदुओं की समस्या ये है कि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और सच्चाई को स्वीकार न करने के कारण सारा सत्यानाश कर देते हैं, सारे गुड़ का गोबर कर देते हैं। आज की सच्चाई यह है कि हमारी हर बेटी कॉलेज में जाते ही एक बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती है। अब बहुत सारे नैतिकतावादी कहेंगे कि देखो सन्यासी होकर कितनी गंदी बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं सच्चाई का वो पहलू जो कोई बताता नहीं है। हमारी जो बहन, हमारी जो बेटी कॉलेज में जाती है या कहीं कंपनी में जाती है, उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ती है। अब यदि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बच्ची किसी हिंदू को अपना बॉयफ्रेंड बनाती है तो हिंदू भी उसे परेशान करते हैं, मुसलमान भी परेशान करते हैं। वही वह लड़की यदि किसी मुसलमान लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है
तो ना उसे हिंदू परेशान करते हैं ना मुसलमान परेशान करते हैं, क्योंकि हिंदुओं में तो इतनी ताकत नहीं रही कि वो मुसलमानों से कुछ कह सके या उनकी गर्लफ्रेंडों से कुछ कह सके। हाँ, हिंदू की गर्लफ्रेंडों को या हिंदुओं से खूब लड़ सकते हैं वो, लेकिन मुसलमानों की गर्लफ्रेंडों से हिंदू कुछ कह दे, इतनी ताकत हिंदुओं में रही नहीं है। और मुसलमान एक दूसरे के साथ सारी हमारी बहन बेटियों को मिल बांट कर खाना चाहते हैं, और वो अपने आदमी का कद बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मछलियां, ज्यादा से ज्यादा पंछी उनके जाल में फंस सके। लड़की अपने आप को सम्मानित महसूस करती है, हिंदू की बेटी अपने आप को मुसलमान की गर्लफ्रेंड बनने के बाद सम्मानित महसूस करती है। उस दिन तक, जिस दिन तक वो सूटकेस में बंद लाश के रूप में, सड़ी गली लाश के रूप में, या किसी नहर में, या कुत्तों का भोजन नहीं बन जाती, तब तक वो शांत से रहती है कॉलेज में। ऐसे ही कंपनियों में होता है। अब एक ऐसे व्यक्ति से जो लड़कियों के बारे में इतनी गिरी हुई सोच रखता हो, जो महिलाओं के बारे में इतनी गंदी सोच रखता हो, उसे हम इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्यों हमारे लिए बाबा चर्चा का विषय है? क्यों हम बाबा या बाबा जैसे लोगों पर ध्यान भी देते हैं? ये वही लोग हैं जो खुद के फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, बाबा को फायदा मिल रहा है, बाबा को प्रसिद्धि मिल रही है, और जब तक बाबा जी को प्रसिद्धि मिलती रहेगी, तब तक बाबा जी आए दिन ऐसी ही उलूल जुलूल बचकानी हरकतें करते रहेंगे। कभी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, कभी कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहिए, कभी कहते हैं कि ये मंदिर जो है यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, मुस्लिम यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर मुस्लिम आता है तो जिस तरह से आसिफ की पिटाई की गई थी वैसे ही ये उन लोगों की पिटाई कर देते हैं, चाहे वो अच्छे मन से ही क्यों ना आए। गाजियाबाद में इनका डंका बजता है, डासना मंदिर इनका है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो क्यों इतनी ज्यादा लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, क्यों सोशल मीडिया पर हमेशा अपने आप को ट्रेंड करवाने की कोशिश करते हैं। आए दिन एक ना एक वीडियो वो अपने ट्विटर हैंडल पर या फिर तमाम और सोर्सेस के जरिए वायरल करवा देते हैं। हिंदुत्व को बचाने की बात करते हैं, लेकिन क्या इन हरकतों से हिंदुत्व बच सकता है? जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, स्कूल में पढ़ने जाती हैं, उनके लिए भी आप ऐसी टिप्पणी करते हैं जो बोलने में ही शर्म आती है। जो पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में महिलाएं हैं, उसको लेकर आपकी क्या सोच है, वो लगातार हमने दिखाई है इससे पहले भी। जैसे बाबा यति नरसिंहा नंद जब जब कोई भी वीडियो वायरल करते हैं, हम उसे दिखाते हैं दर्शकों को, क्योंकि दिखाना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि एक तबका तो इनके जाल में फंसा हुआ है, उन्हें बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो सकता है, या वो बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, ये दिखाना जरूरी है। और इसी वजह से लगातार हम उन वीडियो को दिखाते हैं जो कि उलूल जुलूल बयानबाजियों से बनी रहती है। अभी हाल ही में इस मुद्दे को उठाना जरूरी था, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, क्या वो रेकी कर सकता है? 8-9 साल का बच्चा, लेकिन उस पर महाराज जी आरोप लगा रहे हैं कि वो रेकी कर रहा था मंदिर की, उनकी जान को खतरा है, वो कुछ भी करवा सकता है, वो बम ब्लास्ट करवा सकता है, वो उनकी हत्या कर सकता है, हथियार चलवा सकता है, दंगे भड़का सकता है, एक 8-9 साल का बच्चा। आप ये सोचिए कि जब आप 8-9 साल के बच्चे को इतनी ऐसी निगाह से देखते हैं, शब्द मिल पाना मुश्किल है, ऐसी निगाह से कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। आपने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, ठीक है, अगर बच्चा गलत है आपने पुलिस के हवाले किया ये भी ठीक है, लेकिन क्या बार 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 हिंदू मुस्लिम करना ठीक है? क्या हिंदू मुस्लिम करके आप हिंदुस्तान को खुशहाल रख सकते हो? नहीं, हिंदुस्तान सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, क्योंकि यही तो खासियत है भारत की, यही तो खासियत है हिंदुस्तान की, एकता में अनेकता, तमाम भाषाएं, तमाम संस्कृति, लेकिन भारत एक है और इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति बढ़ने से
रोक रहे हैं देश को। तो अभी से संभलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, वरना ऐसे ही हिंदू मुस्लिम होता रहेगा और ऐसे ही दंगे फसाद होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।